पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कॉस्ट, इसमें ध्यान रखना। ना पहला, इफ टू रिएक्शन आर एडेड देन के इक्विलिब्रियम, दो रिएक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे देन जो के इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम गेट मल्टीप्लाई मतलब अगर ए से मान लो ए से बी बन रहा है और यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के वन और सी से डी बन रहा है, यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टू, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या लिखोगे बताओ? ए प्लस सी बी प्लस डी। रिएक्शन को जोड़ोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, मतलब के वन प्लस के टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? के वन इंटू के टू। ये तुम्हारा के इक्विलिब्रियम हो जाएगा इस रिएक्शन का, के इक्विलिब्रियम, ये जो रिएक्शन तुम्हारा इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम हो जाएगा के वन। अब मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ कैसे होता है। तो चलो बताओ के वन बराबर क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। बी बाई ए होगा। यस सर। बोला के टू बराबर क्या होगा बताओ? सी बाई डी बाई सी। डी बाई सी होगा। के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होगा? के इक्विलिब्रियम बराबर बताओ B into D by plus A into C। क्या आया? आ गया कि नहीं आया? यस सर। देखो जी, आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया ना। B into D बटे A by A by C। B by A को क्या बोलना है? केवल सी बाई डी को क्या, डी बाई सी को क्या बोलना है? समझे कि नहीं समझे? बोलो, बोल नहीं रहे हो? यस सर। चलो तो मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। उसी तरह से अगर रिएक्शन को हम एडेड की जगह क्या करेंगे बताओ? बोलो, सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टेड देन के इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ? डिवाइड। डिवाइड जैसे मैं तुमको इसी में बता दूं। इस बार हम लोग को क्या करना है? घटाना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। घटाना है तो कैसे करेंगे बताओ? अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ? तो इधर क्या आ जाएगा, सी आएगा कि डी आएगा? बोलो। अरे माइनस कर देंगे तो ये वाला इधर आके प्लस, ये वाला इधर जाके प्लस होगा। यस सर। अरे मतलब माइनस करना है भाई, तो माइनस सी माइनस डी हो जाएगा ना, इधर आके प्लस हो जाएगा ना। माइनस करना मतलब उलट के जोड़ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। यस सर। नहीं समझ में आ रहा जी, ये चोर हो क्या बढ़ते? माइनस करोगे तो क्या होगा बताओ? माइनस करेंगे तो ए माइनस सी बी माइनस डी, तो डी इधर आके प्लस हो गया, इधर जाके प्लस हो गया। ए माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस सी नहीं लिख सकते हैं। उधर लेगा प्लस हो गया, यहां घटाना इधर ले, इधर प्लस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? yes, बोल नहीं रहे हो, क्या दिक्कत क्या बताओ? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? K1 by K2। अब प्रूफ करके देख लिया जाए तो बताओ भाई, बताओ। अब इस बार बताओ क्या लिखेंगे? B by A तो लिखेंगे, B into क्या लिखेंगे इस बार? बोलो।
यही लिखेंगे क्या जी? बोलो तो बोलो, b इंटू सी और बटे में a इंटू डी। अब बताओ ये वाला क्या है, k1 है कि k2 की 1 बाई k2 है? c बाई डी तो यहाँ वन बाई के टू कर दें तो क्या आया बताओ तो? आ गया कि नहीं आ गया? देखो तो यस सर, यस सर। अरे मुझे के वन बाई के टू कहो चाहे के वन इंटू वन बाई के टू कहो, मत याद रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर, यस सर, यस सर। कुछ नहीं है यार, डिवाइड करने पे देखो हो जा रहा है। तो क्या किया, मिटा दें? यस सर। पक्का? फिर बता दें, बोलो फिर बता दें। अरे यार a माइनस सी b माइनस डी उल्टा करेंगे तो a प्लस डी b प्लस सी, क्या इक्विलिब्रियम k1 बाई k2 करो आ जाएगा। सर माइनस लगाने पे दोनों माइनस हो गया ना, माइनस या माइनस? हाँ जी, तो दोनों माइनस हो गया तो माइनस क्या लिखोगे भैया? ए माइनस सी, ए माइनस सी और बराबर बी माइनस डी। घटाएंगे तो दोनों घटाएंगे, नहीं को थोड़े घटाएंगे, यही ना करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो पूरा घटा दिए, इधर को घटा, यही ना आएगा उल्टा उल्टा हो गए? यस सर, ए प्लस डी बी प्लस सी। इसमें क्या है यार? चलो खैर अब मिटा दे रहा हूं मैं इसको, समझ गया? अब तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी चौथी, सब सब इजी इजी है। अब देखो कह रहा है इफ ए रिएक्शन इज रिवर्स, रिवर्स देन के इक्विलिब्रियम बिकम बिकम वन बाई के इक्विलिब्रियम। यस, ए से बी के लिए है के वन, तो बी से ए के लिए क्या होगा जल्दी बताओ? वन बाई के वन, वन बाई के वन नहीं होगा जी? प्रूफ करना है कि दिख रहा है बोलो तो? दिख रहा है के वन बराबर बी बाई ए, अब ये सारे ए बाई बी करना तो वन बाई के वन ना होगा? तो रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा वन बाई के वन। समझे कि नहीं समझे? बोलते चलो, बिटाते चलेंगे। एक प्रॉपर्टी और है बस, चार गो है टोटल, तीसरा बता रहा हूं। बिटाए? यस। बोलो जी सर। सब क्या लिखे हैं पढ़ो? पढ़ो पढ़ो क्या लिखे हैं? इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एन देन के इक्विलिब्रियम गेट द पावर ऑफ एन। मतलब देखो, बताना पड़ेगा प्रूफ। रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं?
यहाँ पे के वन बराबर क्या होगा बताओ तो जी, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या होगा जल्दी बताओ। सो बी टू द पावर एन बराबर क्या हुआ बताओ तो, नहीं हुआ के टू द पावर एन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं तुमको कहा था शुरू में याद करो, तुम लोगों को कहे थे ना कि अपने से रिएक्शन मत बैलेंस करना, याद है कि नहीं याद है शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो कहे थे ना कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन दिया रहता है, जरूर दिया रहेगा, ये नहीं कि दिया है H2Cl2 2HCl तो हाफ लेके बना लिए, दिया है हाफ H2 हाफ Cl2 बराबर HCl तो कहते 2 से बैलेंस कर दिया, बैलेंस एकदम नहीं करना, बैलेंस करते क्या हुआ बताओ, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट सेम रहा कि चेंज कर गया, चेंज कर गया। इसीलिए मैं शुरू में कहता हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल कब खत्म होता है, बिना रिएक्शन की विथ रिएक्शन, विथ रिएक्शन बोलो, विथ रिएक्शन जरूर देता रिएक्शन जरूर रिएक्शन देगा, समझे नहीं समझे, इसलिए आराम से करना, हाँ आराम से, अपने मन से कभी भी रिएक्शन कुछ दिया है तो अपने मन से उसको बैलेंस कभी मत करिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में बैलेंस किए तो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, समझ रहे, पूरा चेंज हो जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा फट से, समझ रहे, इसीलिए ध्यान रखना है चीज, इसीलिए मैं उतने अभी तक कभी बैलेंसिंग के लिए नहीं बोला, ठीक है, जैसा रिएक्शन दिया उस हिसाब से करेंगे, आधा दिया है तो आधा लेके करो, एक दिया है तो एक लेके करो, बार बार बैलेंस नहीं करना, मिटा दें, बोलो बोलो, हाँ तो ध्यान आया ना, समझ में आ गया क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं या क्यों नहीं बैलेंस करते हैं, बोलो यस सर, जैसा अगर हमने दिया था SO3 बराबर SO2 plus half O2 तो उसको हम कैसे बनाया है, हाफ ओ टू लेकर बनाया है ना, कहते बैलेंस करके बनाए हैं, 2SO3 बराबर 2SO2 plus O2 ऐसे नहीं ना किया है, मत करना, इसीलिए नहीं करना, अगर तुम बैलेंस कर दोगे तो तुम्हारा वैल्यू गड़बड़ा जाएगा फिर, इसलिए ठीक है, चलो खैर अब तो क्लियर हो ही गया होगा, अब देखो इसको सवाल बनाना होता है इसमें यार, अब इससे बनाना होता है सवाल, तो मैं आराम आराम से क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम आराम से बनाना है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है, आराम से प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, ठीक है, बहुत आसान होता है, तो चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाना, बना लोगे ना, नहीं बना लोगे, बोलो जी, बोल नहीं रहे हो कुछ, यस सर, रुको थोड़ा सा गलती लिख दी है, सही कर दे, बताओ सोच समझ के कौन कौन सही है, सर दूसरा और तीसरा, बताओ आशुतोष, सेकंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा, आकांक्षा स्कूल खुला कि नहीं, आकांक्षा स्कूल खुला कि नहीं तुम्हारा, यस सर खुल गया, बोल नहीं रही हो, यस सर खुल गया, यस सर, गई कि नहीं बताओ, गई थी, यस सर गई थी, क्या किए सब, पढ़ाया बढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बताओ जी, अरे पूछ रहा हूँ भाई,
सजेशन लेना इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब क्लास में कैसे पढ़ाए, कैमरा ला कैसे पढ़ाए, ये बताओ क्लास कैसे चल रही थी, बताओ बताओ जल्दी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो रहा था एक साथ से, कैमरा पागल तो वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब मतलब जो क्लास में ठीक कैमरा लगा के चल रहा था यही पूछना चाह रहा हूँ। यस सर, स्टैंड में मोबाइल रख के सर ऑनलाइन हो रहा था सर, जो दे बच्चे ऑफलाइन कर रहे थे। मतलब साइमल्टेनियस चल रहा था ही ना। यस सर, वेरी गुड, यही यही इसे ही पूछना था कि ऐसा नहीं ना है कि ऑफलाइन अलग चल रहा है, ऑनलाइन अलग चल रहा है, पीरियड अलग है, मान लो पहले ऑफलाइन चला फिर ऑनलाइन चला, साइमल्टेनियस चल रहा था ना। यस सर, चलो ठीक है, तो देखो ये सही है कि नहीं सही है जी, बोलो। यस सर, बोलो ये भी सही है। यस सर, बच्चे आ रहे हैं जी, 15-20% बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कम से कम। यस सर, बोल नहीं रहे, आ रहे हैं। चलो 50% आना है, 20% आ रहे हैं, चलो मिटा दें इसको। बोलो, हम लोग का भी यही सिस्टम रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, 99% वही वही उसी सिस्टम से चलाने की कोशिश की जाएगी कि क्लास में क्या लगा दिया जाए, कैमरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता रहे। चलिए खैर, मिटा देना है, बोलो अगला सवाल करो। सही से करना, गलती मत करना, आसान आसान करवा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल को एनहांस कर रहा हूँ। बताओ क्या होगा, टू पॉइंट फाइव ना होगा जी। बताओ दो से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आएगा, क्या इक्विलिब्रियम, बोलो। 0.5 to the power 2, मतलब 0.25 आ जाएगा। बोलिए बोलिए, नहीं आ रहा है, बताए तो थे, मतलब जितना मल्टीप्लाई करो उतना पावर लगाएंगे, क्या दिक्कत है तुम्हें। आशुतोष आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सर आ रहा है, सब यही हलवा है, अब कहा ना मेन खत्म हो गया, अब यही सब बचा है बस, खाली ऐसे ही आलतू फालतू सब फटफट हो जाएगा। चलो देखो इधर आगे चलते हैं, सही है, सही से करना। बताओ, लिख लो क्वेश्चन पहले अच्छे से। सर दूसरे रिएक्शन में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखा है। अरे K2 लिखना था, K2 लिख लो, K2 याद नहीं, K2
K2 लिखो, K2 लिखो, K2 लिखो। सर तो आंसर K1 इनटू K2 होगा। देखो दोनों को जोड़े है कि नहीं जोड़े है, बोलो। यस सर। बोलो जी, आंसर क्या होगा बताइए। K1 इनटू K2 लिख लो सब लोग, बताने का जरूरत नहीं ना है। देखो दोनों को जोड़ दिए तभी ना, N2 N2 जोड़ेंगे तभी ना 2 N2 आएगा, इसको भी जोड़े। बोलो yes, बोलो सृष्टि। yes, सृष्टि आ रहा है कि नहीं तुमको? yes, तो चलो अभी कर, अभी इस बार अच्छा है थोड़ा सा। कैसा है, अच्छा कि खराब? अच्छा इस बार अच्छा है थोड़ा, इस बार आपको बताना है। आसान दिए हैं, बताओ हर्षितानंद बताओ कितना आएगा? बताओ K1 by K2 सर, K2 by K1 K2 by K1 नहीं आएगा, K1 by K2 आएगा। चेक करो सब लोग, ओम आ रहा तुम्हारा कि नहीं आ रहा है? ओम यस सर। क्या आया? यस सर बोल रहे, आगे नहीं बोल रहे, जल्दी बोलो। यस सर, K1 by K2 माइनस करेंगे उनका, माइनस ना करेंगे जी, बदले उल्टा कब होगा बोलो? माइनस करेंगे तब नहीं इधर आएगा, देखो ये कट ही गया, माइनस किए तो उल्टा आ गया, दिख रहा है, तब क्या आएगा बताओ? K1 by K2 अरे K1 by K2 का ऐसा है, उलट दो, उलट के जोड़ दो बतिया भाई, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो जी। यस सर। चलो अब दो तो और कराएंगे जी जी, फिर एक तो अच्छा करा देंगे, जल्दी से करना, जी जान लगा के बनाना है। बताइए क्या आएगा केस में? हाफ एन टू हाफ ओ टू बराबर एनओ और 2NO बराबर N2 प्लस क्या बोलो? 1/0.2 हाँ सुनाई नहीं दिया जी, फिर से बोलो सर। 1/0.25 नहीं गलत बता दी, अच्छा हाँ सही सही।
देखो रिएक्शन को रिवर्स किए हैं कि नहीं किए हैं, पहले हमको ये बताओ, बताओ। यस सर। रिवर्स तो किया ना, मतलब इधर से इधर ला दिए, तो जैसे रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0.5, और साथ में क्या किए हैं, रिवर्स भी किए फिर मल्टीप्लाई भी किए, तो रिवर्स किया तो उल्टा और मल्टीप्लाई किया तो पावर, ये समझे कि नहीं समझे, बोलो। यही होगा, सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, ये बोलिए, यही तो किया है, रिवर्स कर दिए और साथ में 2 का गुना कर दिए उल्टा करके, तो उल्टा करके 2 का पावर लगा दिए, जो इधर करेंगे वही इधर करेंगे, समझे, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, बोलिए। पलक, पलक आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। Yes, कुछ है नहीं, ऐसे ही है बस, मैं कह रहा था ना सब खत्म हो गया, एक दो ठो करो बस खत्म हो जाएगा, आराम से करो हो जाएगा। ब्लर हो गया ये, एकदम अच्छे से बनाना है इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अरे K1 के क्यों है, K1 के क्यों, सर K1/K2 स्क्वायर। नहीं, K1/K2 स्क्वायर है। यस सर। थोड़ा सा और सोचो सर, 1/K1 × K2 का स्क्वायर। हाँ ये सही है, 1/K1 × K2 स्क्वायर, दोनों रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए भाई, पहले मुझे बताइए एनो है कि कट गया, पहले फाइनल देखिए इन दोनों रिएक्शन को देखिए, एनो है कि कट गया है, बोलो तो। कट गया, बोलो ना मर्द, मर्द इधर तू, एनो इधर, एनो एनो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं है, नहीं दिख रहा, मतलब क्या हुआ होगा, कैंसिल हुआ होगा ना, एनो कैसे कैंसिल होगा, नीचे वाले को किससे गुना करो, 2 से, और दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो। यस सर। मतलब 2 से गुना करके जोड़ दोगे तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ये तो तय है कि इसको हमने 2 से गुना करके दोनों को जोड़ा था, है ना, तो अगर 2 से गुना करके दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा रिएक्शन फाइनल, N2, देखो हाफ है, 2 से गुना होगा तो O2 आ जाएगा जी, बोले यार, और बराबर 2 NO2,
ये कितना आएगा के वन इन टू के टू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताओ पहले अच्छे से, बोल नहीं रहे हो तुम लोग सर, नो कैंसिल कैंसिल कैसे होगा, अरे गजब हालचाल है भाई, दो से गुना करेंगे एक बार प्रोडक्ट में एक बार रिएक्टेंट में तो कैंसिल नहीं होगा दोनों जी, उल्टा उल्टा है तो नहीं समझ आ रहा है, यस सर, एक गजब हो मर गए, उल्टा उल्टा तो नहीं कैंसिल होगा कैसे बताए रुको, यस सर आ गया, विचित्र हो भाई, और जो इधर टू एनो लिखेंगे इधर टू एनो लिखेंगे दोनों साइड तो कट नहीं जाएगा जी, कट जाएगा उल्टा उल्टा तो कट ही जाएगा हम लोग, ठीक है देखो जिसको डाउट हो रहा है इधर टू एनो लिखोगे उधर टू एनो लिखोगे तो कट नहीं जाएगा दोनों साइड में सेम सेम रहेगा तो बोलो यस यस तो कट जाएगा, लिख के दिखा दे कहो तो लिख के दिखा दे डाउट हो रहा है, नो सर श्योर हो एक नंबर, चलो देखो कट जाएगा ये, बोला करो किसको भी डाउट है दिख थोड़े रहा ऑनलाइन है, बोल दे यस सर लिख देंगे हमको क्या, एक लाइन लिखने में लगता है, देखो ऊपर वाला में जैसे दो से गुना करेंगे तो टू एनो इधर आ जाएगा इधर भी टू एनो रहेगा जोड़ेंगे तो मर जाए, अब नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा, कट तो कहते कि आप चलो क्या किए हैं दो से गुना किए ना जी तो के टू का स्क्वायर हो ही जाएगा ना, और जोड़े हैं तो गुना होबे करेगा, चलो खैर अब बताओ फाइनल रिएक्शन को रखे कि उलट दिए उसको, उलट दिया उसको उलट दिए तो उल्टो उल्टो के तो क्या आएगा फाइनल बताओ सर, के टू वन अपन के वन इनटू के टू स्क्वायर के टू स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ सब लोग बताओ बताओ बताओ, अभिषेक अभिषेक यस सर बोल नहीं रहे हो, एक करना नहीं कुछ फर्मत ऐसे देखते के करना होता होगा कर कुछ नहीं कर कर लोगे बोलो, अरे yes, जोड़ घटा गुना भाग करना, तब देखो अब एक आखिरी सवाल करा रहे हैं, चार पांच को करा दिया एक आखिरी सवाल करा रहे हैं, ठीक है आखिरी सवाल करा दे रहे हैं, और अगली क्लास में मैं फिर से कर रहा हूं सब लोग बना लेंगे सब्जेक्टिव 24 क्वेश्चन उसको, और इक्विलिब्रियम अगर का लेक्चर में चेक कर लूंगा टूट टूट गया है क्या, चलिए भाई साहब ये बढ़िया सवाल है बताऊंगा नहीं, तीन चार मिनट का टाइम दूंगा बनाना है आप ही लोग को, बढ़िया सवाल है बन जाएगा ना, यस सर हेलो तीन वाला है अरे ये पढ़ाएंगे ना थर्मोडायनेमिक्स फैसला तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, पहला रिएक्शन क्या दिया है बताओ, एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री का के वन, एन टू प्लस ओ टू टू एन ओ का के टू, एच टू प्लस हाफ ओ टू का के थ्री, टू एन एच थ्री प्लस फाइव ओ टू टू एन ओ थ्री एच टू ओ के इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं बताओ जल्दी से लेट मत करो जल्दी बताओ,
सर के टू इंटू के थ्री का क्यूब। अब के वन कहाँ गया, के वन नहीं रहेगा, मतलब बिना के वन के एन एस थ्री कहाँ से आएगा बताओ, एन एस थ्री भी तो चाहिए इधर। के वन को यूज नहीं करोगे तो एन एस थ्री कहाँ से लाओगे उधर, ये रिएक्शन लाना है, हाई वाला समझो, ये तुमको लाना है, ये लाना। तो बिना केवन को यूज किए एनएसटी कहां से लाओगे जी, केवन को तो यूज करना ही पड़ेगा, खाली के टू के थ्री से नहीं काम चलेगा। पूरा बोलो, फिर से बोलो, सोचो, देखो थोड़ा सा मदद कर रहे हैं। एनएसटी कहां था, इधर टू एनएसटी किधर था, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में, बोलो प्रोडक्ट में। अब इधर आ गया रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में कब आएगा बताइए, जब रिएक्शन को क्या किया जाएगा बताइए, रिवर्स, बोलो जी, बोल ही नहीं रहे हो। रिएक्टेंट में कब आएगा प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट में हमको रिएक्टेंट में चाहिए, तो रिवर्स कहो चाहे, इसको माइनस किए होंगे, इसको क्या किए होंगे, माइनस। यहाँ एक पानी है, यहाँ तीन है, तो तय है कि इसमें तीन से क्या किए होंगे, मल्टीप्लाई किए होंगे, तो ये तो तुमको समझ में आ गया। इधर बोलो 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 सर, के टू इंटू के थ्री का क्यूब बाय के वन, सर के टू इंटू के टू अपॉन के वन, यार एक आदमी बोलो बोलो, के टू इंटू के थ्री का क्यूब बटे के वन, के वन, यस सर, यही बोल रहे हो सब लोग, इसके अलावा भी कोई और आंसर है किसी का, इसके अलावा भी कोई और आंसर है किसी का, बोलो जी, K2 upon K1, खाली K2 upon K1, तुम तो गज भी हो, खाली K2 upon K1 होगा, खाली K2 upon K1 होगा, क्योर हो क्या मर्जी, तो कोनो जन्म में नहीं होगा, K2 upon K1 क्यों होगा खाली भक्त, ये सीधे गलत है, इसमें कुछ बताओ, जैसे कहीं स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, किसी को ऊपर नीचे करना है, यही आंसर है कि कुछ और आंसर है, बोलो ना यार, अब जल्दी ट्राई करो, दो मिनट का टाइम है, शोर कहीं के, ट्राई करो, दो मिनट का समय दिए, जल्दी ट्राई करो सब लोग, टंकी बुआ समझ गया ना सब लोग, तो देखो भाई ऐसा प्रैक्टिस करोगे अपने आप बन जाएगा। और देखो मेन जो हम लोग का है ना, इसके बाद एक ही टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक, उसमें ग्राफ व्राफ भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है लीच एट लियर्स प्रिंसिपल, कौन सा, लीच एट लियर्स प्रिंसिपल, तो थोड़ा सा मैं हेडिंग बता देता हूँ और फिर पढ़ेंगे हम लोग इसको अगली क्लास से, पूरा थीरी है, न्यूमेरिकल की कहानी खत्म, लीच एट लियर्स पे काट गुआता है, बहुत सिंपल, उसमें अब खाली थीरी आपको पढ़ना है, इसमें हम फिजिकल इक्विलिब्रियम भी आपको पढ़ाएंगे, तो लिख लीजिए लीच एट लियर्स प्रिंसिपल, लीच एट लियर्स प्रिंसिपल जानते हैं क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल कंडीशन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, ये एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ, एक्सप्लेन क्या करता है, एक्सप्लेन्स इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल चेंज, चेंज ऑन इक्विलिब्रियम, ऑन इक्विलिब्रियम, अब एक्सटर्नल चेंज का मतलब हो गया, आप जैसे टेम्परेचर को आपने चेंज किया, इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर तो बाहर ही होता है, टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, या आपने प्रेशर चेंज कर दिया, या आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, या वॉल्यूम चेंज कर दिया, या कैटलिस्ट यूज किया, इट इज, इन सब के चेंज को ही हम, जैसे इन सब को चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, कैटलिस्ट ऐड करेंगे, तो इन सब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या फर्क पड़ेगा, यही हम लोगों को पढ़ना है, कौन से प्रिंसिपल में, लीच एट लियर्स प्रिंसिपल, समझे नहीं समझे, लीच एट लियर्स प्रिंसिपल बेसिकली एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चेंज ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन वॉल्यूम को चेंज करने का, समझ गया जी, लिख लो जल्दी से, लिख लो बस, एक लाइन लिखवाए खत्म करेंगे, क्लास खत्म करें, लिख लो जल्दी से, लिख लिए सब लोग,
मैं बोला भी करो हाँ चाहे ना मर्जे। लीच एंड क्लियर्स प्रिंसिपल क्या करता है, एक्सप्लेन इफेक्ट इन सब का। इसमें एक चीज लिख लो, लिखो ओनली टेम्परेचर चेंजेज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओनली कौन चेंज करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, बोलो बोलो। ओनली टेम्परेचर चेंजेज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ कौन चेंज करता है बताओ, टेम्परेचर। बाकी प्रेशर वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैटलिस्ट जो करना करिए, कौन जिंदाबाद रहेगा बोलिए, कौन जिंदाबाद रहेगा, कौन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम नहीं मैं कह रहा हूँ, कौन जिंदाबाद रहेगा बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी चाहे केसी, केपी चाहे केसी। तो कोई पूछेगा केपी और केसी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे बताओगे बोलो, टेम्परेचर। ओनली टेम्परेचर डिपेंड, तो केपी एंड केसी आर ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन कैटलिस्ट ईटीसी कुछ भी। समझ में आया कि नहीं आया बोलो बोलो। यस आना थोड़े याद रखना, ये आना नहीं, इसको याद रखना है कि केपी और केसी सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज कर लीजिए चेंज होने नहीं होना, ठीक है। तो अब देखो पूरा थ्योरी है, बस हम बताएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड एकदम तुरंत आ जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा सवाल इसी से आता है, लीचर टीयर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाओगे, प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है, तो जितना पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर मिलेगा तुमको क्या परसेंट, 60% तो 40% अगर इसी से मिलेगा लीचर टीयर से, एकदम चोर है ये, कुछ नहीं है, तुरंत हो जाएगा, अगली क्लास में टन से हो जाएगा पूरा ना। तो पूरा थ्योरी बाकी है, तो अगली क्लास में आऊंगा तो आप लोग को लीचर टीयर डिस्कस करूंगा बारी बारी से पक्का। फिलहाल आप लोग करिएगा क्या,